तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं पाथरड़ी तालुका में, कासर पिंपल गांव नाम से एक गाँव है। पहले भी हम यहां पर कई बार आ चुके हैं। आज हम कासर पिंपल गांव में अमल मस्के, इनकी यहाँ पहुँचे, इनका कुआ है तो इनका नाम है अमल मस्के। इन्होंने कॉल किया था तो इनके कुएं में एक सांप देखा गया है, तो जाकर देखते कौन सा सांप है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह रहता है। उस सांप को हम बाहर निकालेंगे कुएं से और पर्यावरण में रिलीज करेंगे, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। Thank you.
शायद प्रयत्न करते बंदे बॉक्सेस नहीं लपते रहो भाकरी खाता शिकते खरेच ना सुरू कर ना घरी तो दोस्तों आपने देखा नवाशिक कुएं में उतरे थे और कोबरा स्नेक इस कुएं से बाहर निकाला और ये अभी हर बार की तरह हमारे जाली का बैग है जो कुएं में इस्तेमाल करते हैं अभी हम एक कॉटन के बैग में डालेंगे अच्छे और तुरंत पर्यावरण में रिलीज करेंगे। जैसे कि हम बताते हैं दोस्तों इसके आँख पर आप देख सकते हैं आँख नीले नीले दिखाई दे रहे क्योंकि कुएं में बहुत देर से गिरा होगा और जिसके कारण अभी उसको कम दिखाई देता है। पहले ही सांपों को लगभग 10-15 फीट पर दिखाई देता है। अगर इसके ऊपर ऐसा लेंथेटिक नाम का जो द्रव है आँख पर आ गया तो और कम दिखाई देता है। तो ये सांप जो है ऐसा कुएं में गिरने कारण इनको खाना पीना कुछ मिलता नहीं और कुछ दिनों में वीक होकर ये मर जाते हैं। इसलिए इन सांपों को कुएं से बाहर निकालना इनको बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अहमदनगर में हम ये काम करते हैं। अभी क्या हुआ जैसे बारिश हुई जिसके कारण पानी ऊपर आया और ये सांप जो है पहले फंसे हुए थे कुएं में ये बाहर निकालना शुरू हो गए। इसलिए दिन में लगभग हम 2-4 कॉल रेस्क्यू कॉल ऐसे कुएं में करते हैं उनमें से 1 या 2 वीडियो हम हर रोज़ बनाते हैं। तो इसका जो स्किन है आप ध्यान से देखिए इसकी पूंछ पर जो उसका स्किन है वो निकल जा रहा है और आँस पर भी उसका स्किन आया पूरे बॉडी पर उसके स्किन जो है उसका केचुली जिसे हम केचुली कहते हैं वो निकालना चाहते हैं लेकिन इसको कुएं में निकालना बहुत ही असंभव हो गया था। और अगर इसने अपनी केचुली नहीं उतारी तो क्या होगा जो छोटा छोटा जीव जंतु कीड़ों मकड़ है उस पर घर बनाने लगते हैं और जिसके कारण सांपों को बीमारी होती है और ये जल्दी मर जाते हैं। तो जैसे कि हम नहाते हैं हम लोग नहाते हैं फ्रेश होते हैं जो शरीर की गंदगी निकल जाती है इसी तरह सांप अपनी केचुली उतारता है और अपनी गंदगी वो केचुली के द्वारा निकाल देता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी आक्रामक है ये भी इसको दिखाई भी नहीं दे रहा कम दिखाई दे रहा फिर भी ये बाइट करने की मुद्रा में है। तो चलिए अभी इसको हम बैग में डालते हैं और पर्यावरण में यूज कर लेंगे। तो दोस्तों आपने देखा हमारे नवाशिक कुएं में उतरे थे और कोबरा स्नेक कुएं से बाहर निकाला था। सांप को हम इस पर्यावरण में रिलीज कर रहे हैं
तो जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों कितनी फुर्ती से वो पर्यावरण की ओर चला गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।